अनंतनाग में सेना का ऑपरेशन तेज ली जा रही है, हेरोन ड्रोन की मदद, कल शहीद मेजर आशीष को दी जाएगी अंतिम विदाई। 8 दशकों तक मुंबई की पहचान रही लाल डबल डेकर बसें कल से सड़कों से हटाई जाएगी, इसकी जगह लेगी 900 एसी डबल डेकर बसें। लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 2 मजदूर गंभीर, दोनों के हाथ पैर कट गए। मुजफ्फरपुर नाव हादसे में अब तक 15 से 20 लोग बचाए गए, 10 लोग लापता। रायगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, ओपी जिंदल एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। दिल्ली में फिर बदला मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी से लोग परेशान, आईएमडी के मुताबिक अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री, न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। रिकॉर्डिंग पर रोक, अशांति फैलाने वालों पर कार्रवाई, शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में 10 बड़ी बातों का रखा जाएगा ध्यान। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के जिले में 2 गुटों में खूनी झड़प, 5 लोगों की गई जान, कई घायल। इंदौर में कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, जीतू पटवारी ने बीजेपी को बताया किसान विरोधी। मिड कैंप और स्मॉल कैंप स्टॉक्स ने की शानदार वापसी, हरे निशान में बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार, निफ्टी रिकॉर्ड हाई 20,100 के ऊपर हुआ क्लोज।